हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुब्रत दास और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश एंड मैथ ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो इस तरह आज के टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है शोइंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। फिर से एक बार, शोइंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर द नंबर व्हिच कन्वर्ट इनटू पी बाय क्यू फॉर्म। पी बाय क्यू फॉर्म मीन्स जैसे कि हम न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर की तरह लिखते हैं, जैसे 3, 2, 0, 2/5, 3/7, 3/-3/5। ये देखो, यहाँ पर 2 मतलब 2/1 है, यहाँ पर 2/5 है। तो p बाय q फॉर्म में ये सब हम लिख सकते हैं। तो ये सब रेशनल नंबर में आता है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है ना, जो नंबर विच यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये सब इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि इसका जो वैल्यू है, जो कि ये नॉन रिक्वायरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम उसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द शोइंग ऑफ इंटीजर एंड रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, बट टूडे वी विल लर्न हाउ कैन वी शो इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहले हम जानते हैं कि जो पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कि जो इंटीजर और रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। तो अब हम चलेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में दिखाया जाता है। तो चलते हैं आगे, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। सो रूट टू एंड रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। तो देखो यहाँ पर, तो पहले हमें एक रेखा खींचना चाहिए, जिसे हम रेशनल नंबर और इंटीजर में दिखाते थे। तो यहाँ पर एक जीरो लेते हैं, देन वन स्केल मेजरमेंट मीन्स वन यूनिट इक्वल टू 2 cm लेते हैं स्केल में, जैसे 0 से 1, नाउ 2। सो 0 to 1 इज 2 cm वी हैव टेकन थ्रू स्केल। देन द नीड टू ड्रॉ 90 डिग्री। तो अब हमें जो 0 से 1 जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, तो इस 1 की जगह में एक 90 डिग्री और राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे इसी तरह हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो 90 डिग्री हो गया। अब देखो 0 से 1 तक जो डिस्टेंस था, इसी तरह से हम यहां से कंपास और स्केल के सहारे ले सकते हैं जो इसका जो मेजरमेंट है। तो अब ये जो निकला 0 से 1 तक और यहां तक जो डिस्टेंस इक्वल है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देते हैं यहां तक। तो ये हो गया आपके रूट टू, समझ में आए। तो 0 से 1 को हम 0 को देते हैं ए बी सी। तो यहां पर ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, देन बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरी, लुक एट हियर, जैसे कि पाइथागोरियन की थ्योरी अनुसार p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1 है, तो h इक्वल टू मींस जो हाइपोटेनस है, तो 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, 1 + 1 = 2, तो रूट टू निकले। तो हम एक कंपास और पेंसिल के सहारे एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, जो सीधा लाइन में आकर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया OE इक्वल टू रूट टू। अब नंबर लाइन के ऊपर आ गया,
तो समझ में आ गया होगा ए। सबसे पहले हमें 0 से 1 तक 1 यूनिट और वहां से 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद वहां पर जो 0 से 1 तक जो यूनिट था इसी तरह हम 1 से 90 डिग्री का जो लाइन था उससे हम कट कर लिए, वहां से 0 से उस लाइन को हम जोड़ दिए तो बन गया रूट टू। आए समझ में। इसी तरह हम रूट थ्री को भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे देखो, तो चलते हैं कैसे हम रूट टू के सहारे रूट थ्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो हम इसी तरह एच इक्वल टू पी मतलब रूट टू का स्क्वायर प्लस 1, रूट टू का स्क्वायर हो गया 2 एंड 1 का हो गया 1 मतलब रूट थ्री हो गया। आए समझ में। तो अब रूट टू यहां पर ओ से ए तक है रूट टू, यहां पर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। जस्ट लुक एट हियर, यहां पर 90 डिग्री हो गया। तो ओ से ए तक हो गया रूट टू और अब हमें सिर्फ एक जो है यूनिट मतलब 0 से 1 तक था एक यूनिट, वहां पर हम लेते हैं यूनिट 1। तो अब 0 से हम इस जो पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो हो गया रूट थ्री। अब इस रूट थ्री को हम कंपास और पेंसिल के साथ हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया रूट थ्री। अब ओ से एफ तक हो गया रूट थ्री। तो इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। तो इसी तरह तो आज की टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।